हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा, शर्मा रियल एस्टेट एंड बिल्डर की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ एक 2 BHK का फ्लैट। 2 BHK फ्लैट, ये 200 गज की साइड है हमारी और इसके अंदर में आपको 50-50 के सेट मिलेंगे, फ्रंट एंड बैक, लिफ्ट और पार्किंग के साथ। अगर रोड की बात करता हूँ तो रोड इसका 20 फुट का है। मार्केट अगर बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे आर्य समाज रोड 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। मेट्रो की अगर मैं बात करता हूं तो मेट्रो यहां से मात्र आपको 500 से 800 मीटर की दूरी पे मिलेगी। ईस्ट मेट्रो के पास में ये फ्लैट है, भगवती बिहार के अंदर में ये फ्लैट पड़ता है और फ्लैट बहुत अच्छा है। जब आप इसकी विजिट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये कैसा आपको देखने में लगता है और सेम फ्लैट आपको मिलेगा जैसा आप देखेंगे वीडियो के अंदर में, बिल्कुल सेम फ्लैट मिलेगा। ऐसी ही हमारी 4-5 साइडें बनकर तैयार हो चुकी हैं, 100-100 गज की साइड है जो फ्रंट और बैक में हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसी फ्लैट के अंदर में आपको लिफ्ट एंड कार पार्किंग भी मिलती है। तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं ये पूरा फ्लैट। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये लिफ्ट और लिफ्ट का जो एरिया है यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे पूरे में टाइलें लगी हुई हैं और ये हमारा पूरा लिफ्ट का सेंक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रिल लगी हुई है। यहाँ अगर आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरे फर्श के अंदर में पत्थर लगा हुआ मिलेगा और यहाँ पे भी आपको पूरा दीवार के अंदर देख रहे हैं तो पूरे के ऊपर आपको दीवार में टाइलें लगी हुई है। तो आइए अब चलते हैं इस फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों, आ चुके हैं इस फ्लैट के अंदर। अंदर अगर देखते हैं तो ये है हमारा एंट्रेंस डोर और दोनों साइडों में आपको माइका लगी हुई मिलेगी। अगर नीचे आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ फर्श के अंदर में आपको पत्थर पूरे में लगा हुआ मिलेगा और ये है हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के अंदर में आप देख रहे होगा डिजाइन के साथ पत्थर बहुत अच्छा लगाया गया है और सुंदर डिजाइन के साथ में आपको दिख रहा होगा। और अगर इधर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वॉल पेपर आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, दोनों साइडों में लगा हुआ है। दोनों साइडों में आपको अच्छे से वॉल पेपर लगा हुआ दिख रहा होगा। और अगर इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट भी हमने यहाँ पे फिट करके दे रखा है। और दोस्तों, इसी के साथ में आपको मिल रहा है ऊपर, आप अगर सीलिंग देख रहे हैं तो इसके अंदर में LED लाइटें लगी हुई हैं। दोनों साइडों में आपको LED लाइट लगा के दी गई है। ऊपर अगर देख रहे हैं तो इसके ऊपर भी हमने वॉल पेपर का काम किया गया है, बहुत अच्छा वाला सुंदर डिजाइन के साथ में आपको ये दिख रहा है। और अगर इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं LED पैनल, शोकेस के साथ में मिल रहे हैं, अच्छे डिजाइन के साथ मिल रहे हैं। और इसके अंदर में भी हमने ऊपर से माइका लगा रखी है, माइका के साथ में ये आपको पूरा सेट मिल रहे हैं और शोकेस के अच्छे साथ। तो दोस्तों, ये पूरा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ ही मिलता है आपको एक सुंदर सा ब्यूटीफुल बाथरूम, बहुत बड़ा बाथरूम है सुंदर सा। और पूरी दीवारों के अंदर में अगर देख रहे हैं तो पूरा ऊपर तक टाइलों का काम किया गया है। टाइलों का काम अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छे डिजाइन के साथ में, दोनों साइडों में अलग डिजाइन के साथ में आप देख रहे होंगे। ये आपको सीट लगी हुई मिलेगी, यहाँ पे बास बेसन लगा हुआ है, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो शावर लगा हुआ है। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो दोनों साइडों में आपको माइका लगी हुई है, लॉक लगा हुआ है और सुंदर सा ब्यूटीफुल आपको बाथरूम आपको मिलता है, काफी बड़ा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसके किचन की तरफ, कैसा बनाया हमने इसका किचन। तो दोस्तों, आ चुके हैं इसके किचन के साइड में और किचन का साइड अगर देख रहे हैं तो ये पूरा स्पेस आपको किचन का मिलता है और किचन की साइड में ही हमने आपको आपके फ्रिज का पॉइंट बना के दे रखा है और स्पेस भी आपको खुला मिलेगा। और इधर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे शोकेस लगे हुए, सुंदर सा डिजाइन आपको बना के दे रखा है, बहुत अच्छे डिजाइन के साथ में ये किचन आपको मिल रही है। और अगर स्पेस की बात करता हूँ तो स्पेस इसका है 6 फुट 6 फुट बाई 12 फुट की ये किचन आपको मिलेगी। सुंदर सा आपको बास बेसन मिल रहा है यहाँ पे, अच्छा सुंदर बनी हुई है, टूटियाँ लगी हुई है। और अगर ऊपर देख रहे हैं तो देखो, ऊपर भी आपने दोनों साइडों के अंदर में अगर देख रहे हैं तो माइका लगी हुई है दोनों साइडों में। अगर यहाँ पे चाहते हैं तो अपना RO फिट कर सकते हैं, RO का पॉइंट आपको मिलेगा सुंदर सा। और अगर इधर पूरे में देख रहे हैं तो पूरे में आपको माइका लगी हुई मिलेगी। इधर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टाइलों का काम आपको बहुत अच्छा किया गया है, ऊपर आपको पत्थर लगा हुआ मिलेगा।
अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बर्तन रखने के लिए सोफे सबको अच्छे मिलते हैं, सुंदर सा बना के दे रखे हैं। और अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपको चिमनी भी लगा के हम दे रहे हैं इसके साथ, जबकि ये फ्रंट फ्लोर है। फ्रंट के अंदर में चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते थे, मगर हमने फिर भी आपको चिमनी लगा के दिया जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना लगे। और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये शोकेस आपको लग रहा है, दोनों साइडों में आपको टाइलों का वर्क का अच्छा काम किया गया है। शोकेस आपको अच्छे मिलेंगे दोनों साइडों के अंदर, अच्छे डिजाइन के साथ में आपको ये किचन मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्यूटीफुल किचन। तो आइए अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, ये है मेरा एंट्रेंस डोर और एंट्रेंस के साथ ही आपको मिलता है फर्स्ट बेडरूम का गेट। बेडरूम का साइज देख रहे हैं, इसके अंदर में टाइल का काम किया गया है, सुंदर टाइलें आपको लगी हुई मिलेंगी। और अगर स्पेस की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारा रूम बहुत छोटा है, तो छोटा रूम नहीं है ये, 10 फुट बाई 11 फुट का अच्छा रूम मिल रहा है आपको, वो भी 50 गज के अंदर। अगर मैं प्राइस की बात करूँगा तो प्राइस आपको बहुत कम मिलेगा इसका, इतने अच्छे फ्लैट के अंदर में कहीं भी आपको किसी के पास भी कम प्राइस के अंदर में इतना सुंदर फ्लैट मिलने वाला नहीं मिलेगा। और अगर इधर आप देख रहे हैं तो ये वॉलपेपर लगा हुआ है सुंदर सा, काफ़ी सुंदर डिजाइन के साथ में हमने ये वॉलपेपर लगा रखा है। और अगर ऊपर आप देख रहे हैं सीलिंग के अंदर, तो सीलिंग के अंदर में भी मैंने वॉलपेपर लगा के दिखा रखा है, सुंदर सा बना हुआ है। दोनों साइडों में आपको पीओपी का काम किया गया है, एलईडी लाइटें लगी हुई हैं, ऊपर भी हमने इसकी लाइट का काम बहुत अच्छा कर रखा है। इसी के साथ में आपको मिलता है एलईडी पैनल, एलईडी पैनल के साथ में ये मिलते हैं शोकेस बहुत सुंदर से लगे हुए, इसके साथ में माइका आपको लगी हुई दिख रही है, सुंदर सी माइका लगी हुई है, पॉइंट आपके पास लगा हुआ है, आप यहाँ पे सुंदर सा अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में मैंने एक एसी का पॉइंट भी आपको लगा के दे रखा है, ये ऊपर आपको एसी का पॉइंट मिलेगा, जबकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं पर आपको कोई तोड़ फोड़ करनी पड़े। तो दूसरा अगर मैं इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसी के साथ में मिलता है एक सुंदर सा आपको बाथरूम, बाथरूम भी अटैच बाथरूम मिलेगा, और इसके साथ भी आपको मिलती है दोनों तरफ से टाइलों का काम भी किया गया है, कहीं भी आपको सीलन की जगह नहीं मिलेगी। आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है, अच्छी सी इसमें टॉयलेट मिल रही है बनी हुई। यहाँ पे भी अगर देख रहे हैं तो पूरे में ये सोके यहाँ पे लगी हुई है, लाइट का काम भी आपको काफ़ी सुंदर किया गया है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपकी सीट लगी हुई मिल रही है दोनों साइडों में, तो सुंदर सी आपको ये मिलता है बाथरूम इसके साथ अटैच। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। अब आ चुके हैं इसके सेकंड बेडरूम के लिए। सेकंड बेडरूम अगर देख रहे हैं तो ये भी इसका स्पेस काफ़ी बड़ा मिल रहा है, और टाइलों का काम आप देख रहे होंगे तो टाइलें भी इसमें अंदर लगी हुई मिलेंगी। और अगर इधर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वॉल पेपर आपको लगा हुआ मिलेगा, पॉइंट आपको लगे हुए मिलेंगे बिजली में, अगर कोई चार्जिंग वगैरह लगानी है तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगा हुआ मिल रहा है। इसी के साथ में मिलती है एक आपको सुंदर सी अलमारी, अलमारी भी इसके साथ में अगर डिजाइन देख रहे हैं तो डिजाइन काफ़ी सुंदर इसका लगा हुआ है, माइका इसके ऊपर लगी हुई है। अगर हाइट की बात करता हूँ तो हाइट इसकी रखी हुई है 9 फुट 9 फुट बाई 2 फुट की ये पूरी मिलती है आपको अलमारी। अगर ऊपर आप देख रहे हैं सीलिंग, तो इसके अंदर में फॉल सीलिंग का काम बहुत अच्छा किया गया है, लाइटें आप देख रहे होंगे एलईडी लाइट का काम है बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा, लाइटें ज़्यादा सुंदर सी आपको लगा के दिखा रखी हैं। तो दोस्तों इसी रूम के साथ में अगर मैं करता हूँ वेंटिलेशन की बात, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक सुंदर सी खिड़की, यहाँ पे आप अपना लगा सकते हैं एसी, जो विंडो एसी है वो आप अपना फिट कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने दे रखा है इसका पॉइंट, नीचे आपको एमसीबी लगी हुई मिलेगी। इसके साथ ये मिलता है गेट, गेट के भी आप देख रहे हैं तो माइका दोनों साइडों में आपको लगी हुई मिलेगी। काफ़ी स्पेस के साथ में ये आपको बेडरूम मिल रहा है, जबकि ये आपका बेडरूम है 10 फुट बाई 10 फुट। पहला बेडरूम था इसका 10 फुट बाई 11 फुट, दूसरा बेडरूम है इसका 10 फुट बाई 10 फुट का, ये पूरा बेडरूम मिलता है आपको, सुंदर सा बड़ा बेडरूम। और इसी के साथ में दिखाता हूँ मैं इसकी बालकोनी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप अपनी बालकोनी, बालकोनी का भी अगर स्पेस देख रहे हैं तो ये है हमारी 2.5 फुट बाई 11 फुट की, 11 फुट की ये पूरी बालकोनी मिल रही है। अगर इधर देख रहे हैं तो आपको ग्रिल आपको लगी हुई मिलेगी, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आपको कपड़े सुखाने के लिए हमने दोनों साइडों में इसके एंगल लगाए हुए हैं, यहाँ पे अपने कपड़े सुखा सकते हैं, रस्सी अपनी बांधकर यहाँ पे कर सकते हैं। पॉइंट आपको लगा हुआ मिलेगा, टूटी आपको लगी हुई मिलेगी, ये सब कुछ आपको लगा हुआ मिलेगा। और इसके साइड में भी अगर देख रहे हैं तो सारे दोनों साइडों के अंदर में आपको टाइलें लगी हुई मिलेंगी, जहाँ से सीलन का कोई पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीलन आ जाती है, सीलन आपको कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा 2 BHK फ्लैट हमारा 50 गज के अंदर में बनाया गया है। इसके साथ में आपको मिलती है लिफ्ट और पार्किंग,
लिफ्ट और पार्किंग मिलती है, मार्केट आपको पास में मिलती है, मेट्रो भी यहाँ से काफ़ी पास में है। तो दोस्तों ये था हमारा 2 BHK फ्लैट, आपको कैसा लगा? अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं और शेयर करें। अगर किसी को ये फ्लैट चाहिए तो हमारे सामने दिए गए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद, नमस्कार।